हेलो बच्चे लोग, और बताओ कैसे हो। ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो इस बार 10 का एग्जाम दिए हैं, ठीक है। और वो अब 11th में जाएंगे और साइंस अपना जो है स्ट्रीम चूज करेंगे, चाहे वो जिनमें कि 11th करेंगे, 12th करेंगे, मतलब बोर्ड के लिए जाएंगे, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड सेक्टर में जाएंगे, या फिर मेडिकल सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं के लिए वीडियो है, चलो शुरू करते हैं। तो मैं राजेश कुमार फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स फैकल्टी मेडो क्लास पटना में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है कि मैं जो है उन बच्चों के लिए जो हमारे पास डायरेक्ट जो है ना कि नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है ना कि हम ऑनलाइन जो है ना कि सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। वो ऑनलाइन थ्रू आउट ईयर, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे से पढ़ सकता है ना। करना कुछ नहीं होगा, बस उसको जो है ना कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके उसके बाद तो पूरा सुविधा मिलेगी, है ना, हर चीज तुमको फैसिलिटीज मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसको जो है ना कि उसका बैच जस्ट एक दो दिन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ना कि ये मैसेज मिलने के बाद आप लोग उसको जो है ना कि मेरे चैनल्स को फॉलो करो, ठीक है, और उसके थ्रू जाओ, ठीक है, और जो भी अपडेट्स होंगे उसको गेन करो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना कि आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा जो तो पूरा 1 साल का पढ़ाई कैसे होगा, है ना, क्या उसका स्केड्यूल रहेगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो है हम लोग जो है कि सबसे पहला जो लेक्चर रहेगा कुछ दिन तक, है ना, 1 हफ्ते तक अप्रोक्स, उस वेक्टर्स और मैथमेटिक्स के बेस पे रहेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है उसमें पूरा मैथमेटिक्स जो कि पूरे फिजिक्स में यूज हो सकता है, कुछ मैथमेटिक्स आप लोग 10th में पढ़ चुके हो और कुछ आप लोग को 11th और 12th में भी पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये फिजिक्स तो आपको 11th का है तो 11th में ही वो कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट आपको 11th में ही जानना है, जिसको कि आप अगर मैथ लेते हो तो 12th में जाकर के पढ़ोगे, या फिर बायो वाले बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, तो उसको मैं फिजिक्स पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए कुछ दिन तक वेक्टर्स और मैथमेटिक्स, है ना, कंबाइन चलेगा। जहां जरूरत होगा मैथमेटिक्स का, जितना जरूरत होगा उसको पूरा यहीं पे मैं ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, और साथ साथ वेक्टर्स भी चलेगा, ठीक है। तो वेक्टर और मैथमेटिक्स जो मेरा पहला लेक्चर होगा, इसको आप मान के चलो बेसिक फिजिक्स भी बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो चैप्टर शुरू होगा, है ना, वो मोशन शुरू होगा, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, है ना, जिसमें हम फोर्स को वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, है ना, इसी से डिफाइन करते हैं मोशन को। उसमें 1D और 2D मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फॉलोड होगा नेक्स्ट लेक्चर, वो होगा आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये काइनेमेटिक्स का पोर्शन है सर्कुलर मोशन, लेकिन हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ करके पढ़ेंगे कहाँ, सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फोर्स का यूज होता है जो कि यहाँ पे बताना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग फोर्स पहले पढ़ेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और फिर उसी में फ्रिक्शन भी इसी के अंदर फोर्स के अंदर आएगा, और फिर सर्कुलर मोशन आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ेंगे, और फिर इसी का एप्लीकेशन करते हुए हम लोग और एक सर्कुलर मोशन के पोर्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये हम लोग इस सेक्शन में कवर करने जा रहे हैं पूरा, यानी कि ये सेक्शन मिला करके आपका कंप्लीट सर्कुलर मोशन का पैकेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सॉलिड मैकेनिक्स पे घुसेंगे ना, तो सॉलिड मैकेनिक्स हम लोग जानता है सिस्टम पार्टिकल्स का, हम लोग मैकेनिक्स जानेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है, फिर उसका मोशन के बारे में, फिर कोलिजन के बारे में, और उसके बाद रोटेशन ऑफ सॉलिड बॉडी, है ना, या रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इसका नाम है इलास्टिसिटी मेजर रूप में है, ठीक है। इसमें स्ट्रेन एनर्जी भी आएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेसेस आएंगे, हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसका, सॉलिड्स का, उसके बाद फिर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसका, फ्लूइड्स का, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स का और फ्लूइड्स का, लेकिन इसी में चीज और एड हो जाएगा, क्या चीज, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, है ना, जैसे सॉलिड का मैकेनिक्स होता है उसी तरह से फ्लूड का भी मैकेनिक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर भी फॉलो करेंगे इसके बाद, है ना। इसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ भी हमें न्यूटन साहब मिलेंगे, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा मिलेंगे मेरे न्यूटन साहब, ठीक है। न्यूटन से आप लोग को ऑलरेडी 9th क्लास में देख चुके हो, ये भी आप जो है 9th क्लास में देख चुके हो, ठीक है। तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और है ना, अभी यहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो आप पढ़े 9th में वो बहुत इंट्रोडक्शन था, समझो। उसके बाद ऑक्सीलेशन आएगा, है ना। ऑक्सीलेशन के 2 पोर्शन होंगे, एक सिंपल हार्मोनिक्स होगा और दूसरा जो है वेव होगा। वेव में भी स्ट्रिंग और साउंड होगा, ठीक है। तो 9 और 10 सब्सिक्वेंटली जो इसको जो है फॉलो करेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि यहां से हीट इंटर कर देगा, टेम्परेचर के बारे में आप जानना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, और ये जो है पूरा पूरा एक ही में जो है आगे जाकर के आप लोग पढ़ोगे इंजीनियरिंग करोगे तो, है ना, एक ही सब्जेक्ट का है सब। तो ये तो अलग है, हीट ट्रांसफर आता है, लेकिन ये और ये आपको एक ही सब्जेक्ट में मिलेगा, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो चलो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर हीट ट्रांसफर और फिर थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अब फिर इसी में ये देखो क्या है, ये जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक, और ये जो है माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि थोड़ा सा अंदर घुस के छोटे लेवल पे ये स्टडी है गैस का, ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ गैस, ओके। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें लॉज भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर हम लोग जो है सबसे फास्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का, है कि नहीं, बताओ, यूनिट डायमेंशन, लेकिन हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट में, क्यों, क्योंकि यार हमें टर्म पता ही नहीं रहेगा, फॉर्मूला पता ही नहीं रहेगा, और उसका फॉर्मूला याद करके हम कितना डायमेंशन निकालें, है ना। लेकिन अगर मुझे सबका फॉर्मूला पता है, सबका एनालिसिस पता है, तो बाद में सिर्फ हमको डायमेंशन ही निकालना तो रहेगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। और एक एडवांस का टॉपिक आएगा एरर एनालिसिस, ठीक है, ये नीट के लिए और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एरर एनालिसिस, है ना, और एक डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस, है ना, मॉडलिंग में काम आता है और रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए जब इंजीनियरिंग में जाएंगे आप या मेडिकल में जाएंगे तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले, ठीक है, यूनिट डायमेंशन लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा जो है 11th का कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, और यही मेरा जो है एक तरीके से फॉलो अप होगा रूटीन्स, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है फॉलो करो, ठीक है, और पूरा ऑन टाइम, यानी कि अगर मान लिया जाए कि हम अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्रैल के बाद अप्रोक्स आप मान कर चलो 150 to 160 लेक्चर्स, ठीक है, 150 to 160 लेक्चर्स में ये पूरे पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर तक पूरा 11th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा, है ना, आप सिर्फ जो है ना कि लेक्चर वाइज फॉलो करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, जो भी असाइनमेंट देंगे उसको उसको बनाओ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा खर्च नहीं करना है ना। तो पूरा जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे हैं, है ना, जो चाहते हैं कि पढ़े, है ना, आप जो है ना कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कहीं कोई पेड है, कोई फ्री भी है, ठीक है। तो मेरा तो भाई फ्री है अभी, है ना। तो चलो, आप लोग से अपने होप करते हैं कि इसको आप लोग और अपने फ्रेंड्स में, सर्कल्स में बताएंगे लोगों को, ठीक है, और आप शुरू हो जाएंगे, है ना। जस्ट एक दो दिन के अंदर आपका वीडियो आने वाला है 10th के बच्चों के लिए, जो 11th में मूव करने वाले हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। चलिए मिलते हैं।